और जिस खबर का जिक्र अभी रजत जी कर रहे थे उसके बारे में आपको बता दें डिटेल में, दरअसल अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, और इसने थोड़ी देर पहले एक रेटिंग जारी की है। ये रेटिंग कोरोना की वैश्विक समस्या के बीच दुनिया भर के नेता कैसे काम करते हैं, उनके काम करने की क्षमता क्या है और उन पर लोगों का भरोसा क्या है, इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये रेटिंग जारी की गई है। और आपको बता दें इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया के तमाम नेताओं से ऊपर रखा गया है। रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक दुनिया के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए थे और हर रोज औसतन 447 लोगों के इंटरव्यू किए गए। 1 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग पॉइंट्स थे 62, 14 अप्रैल आते आते ये 68 हो गया। इस पैमाने पर 1 जनवरी को ट्रंप की रेटिंग -10 थी और 14 अप्रैल तक वो -3 पर आ पाए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कोरोना के खिलाफ युद्ध में मोदी एक वर्ल्ड लीडर बनकर उभरे हैं। इसके पीछे पर्दे के पीछे की वो मेहनत है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है।